दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने चैनल फास्ट सीखो पर कि आईआरसीटीसी क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ये भारतीय रेल की एक शाखा है जो कैटरिंग पर्यटन ऑनलाइन टिकटिंग सेवा का संचालन कराती है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। भारतीय रेलवे के बारे में कौन नहीं जानता और आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की एक शाखा है जो भारतीय रेलवे को खान पान और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। इसका प्रयोग करके हर रोज करीब 6 करोड़ तक की बुकिंग की जाती है। ये दुनिया के सबसे दूसरे बड़ी ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा है जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ की आबादी 135 करोड़ है। यहाँ हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे टिकट काउंटर के बाहर टिकट लेने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये बहुत ही परेशानी और थका देने वाला काम है। लाइन में खड़े खड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो कहेगा लाइन में खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। भारतीय रेलवे ने इस समस्या को निपटाने के लिए एक समाधान निकाला है ताकि लोग किसी तरह लाइन में खड़ा होने से बच सकें। वो समाधान है ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग करने का, जिससे आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। पर आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए दो तरह की आईडी प्रोवाइड करता है। नंबर एक बिजनेस आईडी, इससे आप किसी भी तरह का टिकट बुक कर सकते हैं और अब तो तत्काल टिकट भी बिजनेस आईडी से बुक कर सकते हैं और तो टिकट बेच भी सकते हैं। बिजनेस आईडी को कई कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जैसे सीएससी, स्पाइस मनी, टिकट टू ट्रिप, सहज जन सेवा केंद्र जैसी बहुत सारी कंपनियां। नंबर दो पर्सनल आईडी, मतलब जिससे कोई भी इस देश का वासी अपना टिकट बुक कर सकता है और साथ में तत्काल टिकट भी निकाल सकता है, पर टिकट को बेच नहीं सकता। अगर बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे हाई पेनल्टी के साथ जेल भी हो सकती है। लेकिन खुद अपने या अपने घर वालों के टिकट बुक करने के लिए ये कमाल का पोर्टल है। आइए सबसे पहले इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना सीख लेते हैं। इंटरव्यू से पहले हमने देखा कि आईआरसीटीसी क्या है, अब हम जानेंगे कि आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहां पर प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है आईआरसीटीसी। इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लॉगिन का आएगा जो दाएं कॉर्नर पर आपको नजर आ रहा होगा। ऊपर की तरफ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर यूजर पर क्लिक करेंगे और फिर एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना डेटा फिल करना है। जैसे सबसे पहले ऊपर अपना मोबाइल नंबर और नीचे ईमेल आईडी और एक यूजर नाम, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग होनी चाहिए, इससे पहले कभी यूज नहीं होनी चाहिए। और नीचे पासवर्ड, पासवर्ड में जैसे अंकित, अंकित का बड़ा ANIKIT और 4 नंबर दर्ज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल और कहाँ रहते हैं इंडिया, और फेवरेट आपका क्या है या फिर और भी कोई क्वेश्चन चुन सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फेवरेट आंसर में दिया है इंडिया, यानी फेवरेट टीम मेरी स्पोर्ट में इंडिया है, और नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ऑप्शन आया है यहाँ पर एड्रेस डालने का, एड्रेस डालेंगे और कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे। जैसे ही कैप्चा कोड शो होगा तो आपको कुछ और भी शो हो सकता है, जैसे कि मेरे पास ट्रैफिक लाइटें हैं, मैं 3 पर टिक लगाकर ओके कर रहा हूँ, ये मेरा कैप्चा फिल हो गया है। नीचे जिन ऑप्शनों को चुनने के लिए कहा गया है आप उनमें फिलअप कर देंगे, इंडिया, पिन कोड वगैरह, अपना जिला, राज्य और अपना बीओ सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही रजिस्टर क्लिक करेंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज मिल जाएगा। अब ये आबिद 4522 आपका यूजर आईडी है। लॉगिन पेज पर आएंगे और यहाँ अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है वेरीफाई करने का। तो ये एक पेज ओपन होकर आ गया है, इसमें आपके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। आप दोनों
ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दीजिए, और यहाँ से ईमेल से ओटीपी को ले लीजिए। जैसे कि मैं ईमेल के ओटीपी को यहाँ रीड कर रहा हूँ, ये मेरा एक ओटीपी आया हुआ है 14-0-112, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर लिख लेता हूँ और इसको ईमेल के ओटीपी में दर्ज कर दूंगा। और साथ में मोबाइल नंबर पर भी एक एसएमएस आएगा, उसमें भी ओटीपी के लिए पूछा जाएगा। आप ओटीपी फिल करके वेरीफाई यूजर पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली इसमें वेरीफाई कर चुके हैं और ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। दोबारा से लॉगिन पेज पर आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चा भी फिल कर सकते हैं, कैप्चा नहीं फिल करना है तो लॉगिन वाले टिक पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लॉगिन किया और मुझसे सबसे पहले एम पिन सेट करने के लिए पूछा जाएगा, जो इसी ऐप के लिए होगा, और मैं 4 अंकों का एक एम पिन कुछ भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैंने फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है। अब बार बार मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये किया है। अच्छा, फिर एक ऑप्शन आता है माई अकाउंट का, आप इसके अंदर अपने आधार को भी लिंक कर सकते हैं। इसके जरिए आप अधिक टिकट तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं और इसमें आप और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आइए, यहाँ मैं आधार नंबर इंटर करता हूँ, आधार का नाम सबमिट करता हूँ, आधार पर ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करता हूँ। पूरा मेरा डेटा खुलकर आ चुका है, मैंने यहाँ हाइड कर रखा है। अपडेट केवाईसी पर क्लिक करके मैं इसको सक्सेसफुली वेरीफाइड कर देता हूँ। चलिए, अपडेट केवाईसी पर क्लिक कर दिया है और ये मेरे सामने पूरा ऑप्शन आ चुका है। मेरा अकाउंट अब 24 घंटों के अंदर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अब मुझे अपना लॉगिन पेज पर जाने के बाद इस पेज को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आप अपने मनपसंद ट्रेन सर्च कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आप सीखेंगे कि ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं और बुक हुए टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, RC रिजर्वेशन, GN, स्लीपर में डिफरेंस क्या है और कैसे इनकी पहचान करेंगे, कैसे इनके टिकट को बुक करेंगे, तत्काल टिकट कैसे बुक होता है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे हम आपको आने वाली वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर लिखें।